गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ मनीषा। वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी सुबह के 7 बजे, मैं 6 बजे उठी थी, 1 घंटे हुए हैं और अभी थोड़ा सा राहत है मौसम में। दिन को तो आजकल बहुत ही बुरी हालत होती है गर्मी से, लेकिन अभी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, धूप भी उतनी तेज़ नहीं हुई, बादल से हैं मौसम। 1-2 दिनों से थोड़ा सा बारिश का हो रहा है, बादल आ रहे हैं, लेकिन उससे और ज़्यादा उमस बढ़ रही है। आज मैं थोड़ा सा लेट उठी हूँ, मॉर्निंग वॉक पे भी नहीं गई, क्योंकि दूसरी जगह जाना भी मैं बताऊँगी कि कहाँ जा रही हूँ आजकल। और घर का भी कुछ भी काम नहीं हुआ, सिर्फ बेड ठीक किया, किचन भी फैला हुआ है, गर्म पानी करके पिया था और एक बार चाय बनाई है, बस इतना ही काम हुआ है। आजकल मॉर्निंग वॉक का रूटीन भी थोड़ा सा चेंज हो गया मेरा, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने ड्राइविंग क्लास ज्वाइन की थी 15 डेज के लिए, वो कम्प्लीट हो गई है, लेकिन 2-3 दिनों से ज़्यादा ही भागा दौड़ी हो गई थी। क्लास तो कम्प्लीट हो गई, लेकिन अब प्रैक्टिस ज़रूरी है और आज मैं फर्स्ट डे लेके जा रही हूँ अपनी गाड़ी। उसे चलाने की कोशिश करूँगी, थोड़ा सा डर भी लग रहा है, क्योंकि जब क्लास लेते हैं तो उस गाड़ी में दोनों साइड क्लच ब्रेक रहती है, जिससे ट्रेनर जो होते हैं वो संभालते हैं, लेकिन अब मुझे अकेले ही करना है सारा काम। लेकिन हिम्मत करके शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्लास लेने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए मॉर्निंग वॉक पर नहीं गई कि अगर थोड़ा सा भी लेट हो गया तो रोड पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाती है। टाइम हो गया, जल्दी से चेंज करके निकलती हूँ, और कुछ भी नहीं करना है, बाल ठीक कर लिए मैंने। अभी मैं नहा के आई हूँ, खाना बन रहा है, चावल चढ़ा दिया और सब कुछ बन चुका है। दोपहर का टाइम हो गया, बहुत देरों से काम कर रही थी तो सोचा थोड़ी देर बैठ जाती हूँ जब तक चावल बन रहा है। बहुत सारा काम था तो वो सब निपटाते हुए टाइम लग गया और थोड़ा सा मूड भी ऑफ हो गया, क्योंकि आज मैं फर्स्ट डे लेके गई थी गाड़ी और एक्सीडेंट हो गया, वो भी बहुत बड़ा वाला। मैं को बताया था आप लोगों से कि आज मैं जा रही हूँ फर्स्ट डे अपनी गाड़ी लेके प्रैक्टिस शुरू करूँगी। थोड़ी देर मैंने ड्राइव की, उसमें काफ़ी मुश्किलें आ रही थी, शायद सबके साथ होता होगा पहली बार, लेकिन घर वापस आते टाइम एक्सीडेंट हो गया बाइक के साथ। वो तो शुक्र है भगवान का कि बहुत ज़्यादा लड़के को चोट नहीं आई, मुझे पता ही नहीं चला अचानक से बाइक सामने आ गई। मैंने क्लच ब्रेक जल्दी से लगाया भी, लेकिन गाड़ी रुकी नहीं और वहाँ पर ढलान भी थी, इसलिए गाड़ी थोड़ा सा और आगे बढ़ गई, इसलिए सुबह सुबह मूड ऑफ हो गया। वो तो ऊपर वाले की कृपा है कि लड़के को ज़्यादा चोट नहीं आई, थोड़ी बहुत खरोंच सी आई है, उसकी बाइक में भी ज़्यादा टूट फूट नहीं हुई, मेरी गाड़ी में ही ज़्यादा हुई है। तो लेके गए मेरे हस्बैंड उसको दिखाने, उसमें तो खर्च आने वाला है ज़्यादा। तो आज सुबह सुबह मुझसे काफ़ी नुकसान हुआ है फर्स्ट डे ही, अब मुझे लगता है कि कहाँ लेके जाऊँ गाड़ी को और कैसे चलाऊँ। मुश्किल यहाँ पे ये है कि कोई खाली जगह नहीं है, ग्राउंड नहीं है, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, चलानी है तो मेन रोड पे ही लेके जानी। यही सब आज सुबह सुबह हो गया। उसके बाद घर वापस आई, थोड़ी देर तो समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, फिर मैंने धीरे धीरे अपना काम शुरू किया। सारा काम बचा हुआ था, 2-3 घंटे लगे करने में, अभी चावल बन गया है, शायद चल के देखते हैं। कुकर में मैंने चावल डाल दिया था तो वो हो गया है, खीरा टमाटर प्याज वगैरह काट लेती हूँ अपने लिए, और ये सारा सामान आया हुआ था घर का, इसको मैंने पोंछ के रखा हुआ, अब डब्बे में रखूँगी। चावल आटा ये सब तो रख दिया है, 2 दिनों से सामान आया हुआ था लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। सुबह को ऐसे ही चली जाती थी क्लास के लिए। देसी खीरा में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि एक तो छोटा छोटा होगा, फिर आधे से ये इस तरह से टेढ़ा हो जाएगा और यहीं से सूख भी जाता है, तो समझो कि आधा खीरा बेकार ही जाता है। लेकिन खाने में यही अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं ढूंढ के लाती हूँ देसी वाला ये। ज़्यादा ग्रीन ग्रीन जो खीरा होता है उसमें कोई स्वाद नहीं है, बिल्कुल पानी सा लगता है। वैसे तो खीरा में पानी ही होता है, लेकिन थोड़ा बहुत इसका अपना स्वाद भी होता है, एक अलग मिठास होती है।
खाना खाने के बाद हम लोग इसी रूम में पैक हो गए एकदम अंधेरा अंधेरा करके, क्योंकि बाहर बैठने वाला नहीं है, बहुत ज़्यादा उमस हो रही है। थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया, उसके बाद उठ के एडिट कर रही थी यहीं पे, और अभी 5:30 बजने वाले हैं, तो अब जा रही हूँ चाय वाय बनाने। आज धूप बहुत तेज़ नहीं है, दूसरे दिन तो धूप की वजह से ही 7:30 बजे तक बाहर नहीं निकल पाते, लेकिन आज उमस बहुत ज़्यादा है। बारिश एक बार बूंदा बूंदी सी हुई थी सुबह को, लेकिन उससे कुछ भी राहत नहीं हुई है। मैं घूमने निकल गई हूँ, घर में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, थोड़ा सा घूम के मूड फ्रेश कर रही हूँ। हवा तो नहीं चल रही है, अरे अभी यहाँ पे आम बहुत महंगा है। दशहरी आम का मैंने पूछा तो 100 रुपये किलो बता रहे थे, भाई अच्छा वाला, और इससे थोड़ा सा छोटा सा मैंने पहले लिया था 3-3.5 किलो आम, बिल्कुल ही वेस्ट चला गया, अच्छा नहीं निकला और पका भी नहीं, सड़ गया निकला, मीठा नहीं था और पका भी नहीं। घर में कहीं कहीं पे छोटा वाला है वो 100 का 1.5 किलो बता रहे थे। मैंने सोचा घूमने निकली हूँ तो फ्रूट्स भी ले ही लूँ कुछ। 1 किलो आम और 1 किलो पपीता लेके आई हूँ। अभी बेल पहले का है और ये दशहरी आम बहुत अच्छा वाला नहीं है, इसलिए मुझे 60 रुपये किलो मिला, और इससे भी बड़ा वाला जो था वो 100 रुपये किलो का था। इन सभी को धोकर मैंने टोकरी में रख दिया था। बेल 2-3 दिन पहले आया था, उसमें से एक का शरबत बन गया और एक बचा हुआ है। इधर गैस पर दूध रखा है बॉयल होने के लिए, साथ साथ डिनर की भी तैयारी कर लेती हूँ। तो पहले मैं बना ले रही हूँ छाछ, और इसके लिए मैंने ज़्यादा कुछ भी नहीं किया है। ग्लास में ही 2 चम्मच दही डाला, उसमें जीरा पाउडर और काला नमक डाल के पानी के साथ मिक्स कर रही हूँ। उसके बाद सैलड के लिए खीरा, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च ये सब कट करके रखा है, और पहले से ही भिगो के रख दिया था काले चने को और मूंग को। इन सभी चीज़ों को एक साथ मिक्स करके और इसमें डालती हूँ काला नमक और नींबू। जब से गर्मियाँ शुरू हुई तो मोस्टली हम लोग डिनर में यही लेते हैं, खाने में हल्का रहता है और स्वाद भी अच्छा लगता है। इतना खाने के बाद कभी कभी भूख लगे या मन करे कुछ खाने का तो खा भी लेते, ऐसा कुछ नहीं है। आज तो दिन में हद से ज़्यादा ही गर्मी थी, इसलिए अभी तक कुछ खाने का मन नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने छाछ बनाया। दूध उबल चुका है तो इसको ढक के और किचन का सारा काम फिनिश करके अब जा रही हूँ टीवी के पास, वहीं पर बैठ के खाऊंगी भी और कुछ देखूंगी भी। आज के लिए बस इतना ही, बहुत जल्द मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।